स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई से मोहम्मद अली मोमिन, हाजी मोहम्मद अली मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी सामाजिक खिदमत कैसे शिक्षा के क्षेत्र में और जो सोशल वर्क होता है उसमें कैसे निभा रहे हैं। मोहम्मद अली मोमिन हाजी साहब, आपका स्वागत है वर्चुअल स्कूप में। बताइए कि आप तालीमी मैदान में किस तरह से काम कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नबील अलैहि व सहाबी व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं ये बताना चाहूँगा कि मीमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का मैं सदर हूँ, साथ में बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी का भी मैं सदर हूँ, मीमन पब्लिशिंग बोर्ड का भी सदर हूँ, और इसके अलावा गुजरात में फैज़ मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का भी मैं सदर हूँ। मैंने ये जो इदारों का नाम लिया, इसके अलावा हमारी एक फैमिली ट्रस्ट है, SMGK चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सामाजिक और हेल्थ इश्यूज़ को लेके कौम के जो भी इकोनॉमिकली वीक लोग हैं या तबका है उनके ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जहाँ तक मीमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का ताल्लुक है, तो ये बहुत पुराना इदारा है और ये जो वेलफेयर सोसाइटी है कौम की, ये सबसे पुरानी सोसाइटी है। 1933 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बिफोर पार्टीशन जी, मुंबई में, कलकत्ता में, कलकत्ता में, और कलकत्ता से बाद में जब पार्टीशन हुआ तो मुंबई में इसकी ऑफिस को शिफ्ट किया गया जी, और तब से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस अपनी कौम की इस सोसाइटी के ज़रिए 8 स्कूलें चल रही हैं। 8 स्कूलों में करीब करीब 5,500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 3 स्कूलें और प्राइमरी सेक्शन जोगेश्वरी में फारूक हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के नाम से चल रहे हैं, और बाकी कौसा मुमरा में पटेल हाई स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ और पटेल प्राइमरी स्कूल के नाम से चल रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे को बहुत जो एक अल्लाह का फजल और अल्लाह की मेहरबानी से जो हम अहमद गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कौसा में चला रहे हैं जी, वो बहुत एक पाए का काम अल्लाह हमसे ले रहा है, जिससे कि अपने कौम का गरीब तबका, इकोनॉमिकली वीक तबका जी, या जो भी इसके अलावा होनहार बच्चे हैं हर तबके के जी, हर कौम के, सार्वजनिक रीत से हम वहाँ सबको एडमिशन दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और अभी जो हमारे गवर्नमेंट के तरफ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रेड्स दिए गए हैं और जो उसमें जो उन्होंने सर्वे करने के बाद वहाँ के जो हर इदारे के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और जो प्रोसीजर्स को जब देखा और पाया, तो हमारे इस इंस्टीट्यूट को 4-स्टार ग्रेड मिला, और उन्होंने ये कहा कि ये प्राइवेट ITI के उसमें हमारा ये 3rd नंबर पे महाराष्ट्र में ये हमारा इदारा आया है जी, तो ये हमारे लिए बहुत
तसल्ली बख्श बात है और हम अल्लाह का इसमें एहसान मानते हैं कि अल्लाह हमसे इस तरीके से और मजीद काम ले और हम इस तरीके से कौम के भी काम कर सकें और हमारे वो तबका जो समझो कोई प्रॉपर ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में अगर वीक है या अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से आगे पढ़ नहीं सकता है तो वैसे तबके को वैसे बच्चों को हम यहाँ पे एक मौका देते हैं और ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो जो इसमें डिप्लोमा हासिल करते हैं और वहीं से जो उनको ये जो डिप्लोमा होते हैं वो ट्रेड कोर्सेज होते हैं टेक्निकल हो के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लाइन के जो ये ट्रेड कोर्सेज हैं उसमें हम इन लोगों को एडमिशन दे के इनको जो पढ़ाई मिलती है उससे उनका एक रोज़ी का ज़रिया इमीडिएटली उनको हासिल होता है। तो कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आके बच्चों को जी 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 ये आपने बहुत सही बताया ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बड़े बड़े आज इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारे यहाँ विजिट करते हैं जैसे कि टाटा हैं कि इसमें और भी बड़े बड़े हाउसेज वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ के हैं वो वहाँ आते हैं। हमने एग्जीबिशन भी एक वहाँ रखा था और महिंद्रा टाटा और इसके अलावा अपने जो ITI बॉम्बे के भी लोग वहाँ आए थे और उन्होंने हमको बहुत सराहा और उन्होंने भी कहा कि हम आपके बच्चों को जो भी यहाँ से फारिग हो के कामयाब हो के निकलते हैं तो हम उनको इमीडिएटली प्लेसमेंट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से बच्चों को अच्छी जगहों पे प्लेसमेंट भी मिली है और वो आज अच्छे जॉब्स में लगे हुए हैं और अपनी फैमिली का वो एक इनकम अर्नर के तौर पे आज अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं और यही हमारी सोच है और अल्लाह हमसे ऐसे ही मजीद आगे भी काम ले जी। ये तो आपने मुंबई की बात की, आपने गुजरात का भी कुछ जिक्र किया तो वहाँ क्या तालीम जी जी इसके पहले मैं थोड़ा आपको फारूक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज जो जोगेश्वरी में काम कर रही है जी। वहाँ के बारे में भी आपको थोड़ा मैं डिटेल्स बताऊँ और वैसे वो इदारा भी आपको मैं लेके जाके वहाँ कि वहाँ जो चल रहा है वो कंप्यूटर क्लासेस ITI बॉम्बे के तरफ से हमको जो गाइडेंस मिल रही है वहाँ के उनके जो ऑफिसर्स आके और उनके टीचर्स आके हमारे बच्चों को और हमारी फैकल्टीज को जो ट्रेनिंग देते हैं जी। वो आपको मैं बता के ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करते हैं तो हर जगह से हमको इमदाद हेल्प फैसिलिटीज़ मुहैया हो सकती है और मिल रही है। अल्लाह इसमें हमारी मदद कर रहा है तो यहाँ से जो एक मयार का एजुकेशन हम जो अभी देने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक क्या है हमने एस्टेब्लिश किए हमारे इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशनल इदारों को लेकिन अब हमारा ध्यान हमारी तवक्को मयार को ऊपर ले आने की तरफ है और ज़्यादा हम तवक्को वहाँ दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि इन इदारों में आपको मैं जब विज़िट कराऊँगा और सर्वे करेंगे तो आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह आप बॉम्बे के उर्दू मीडियम होते हुए भी बेस्ट इदारों में आप पाओगे और आपको खुशी होगी कि हमारी कौम में ऐसे इदारे भी आज मौजूद हैं और हमारी कौम के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और इसी तरह इससे हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में हम हमारे जो भी लोग हमारे भाई जो अल्लाह ने जिनको ये समझ दी है और जो ये कौम के लिए तड़प रखते हैं वो हमारे यहाँ विज़िट करें हमारे इदारों को सराहें और इसका नमूना बनाकर खुद भी वहाँ अपने जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ ये एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ें और ये एक्टिविटीज़ को वहाँ पे भी कायम करें जिससे कि हमारी कौम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और हम नेशनल स्ट्रीम में जुड़ के एक अपने आप को अपने मुल्क के लिए फ़ख्र महसूस हो ऐसी हम कौम साबित हो गए जी। हाँ गुजरात की बात की आपने, यहाँ के स्कूल के बारे से बताया आपने, गुजरात का भी जिक्र किया था। गुजरात के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि गुजरात में सौराष्ट्र ज़िले के अंदर, सौराष्ट्र जो गुजरात का एक हिस्सा है उसमें डिस्ट्रिक्ट अमरेली में
सावरकुंडला करके एक गांव है, वहां पे हमने एसएमजी के एजुकेशनल स्कूल्स करके काफ़ी स्कूलें स्टार्ट की हैं, जिसमें एसएमजी के स्कूल फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम, एसएमजी के स्कूल फॉर गर्ल्स गुजराती मीडियम, फिर वैसे ही एसएमजी के स्कूल फॉर बॉयज़ इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम, फिर प्राइमरी स्कूल्स, और फिर वहाँ पे सेठ अब्दुल रज्जाक अल्लाना प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी आगाज़ हो चुका है, हमको वहाँ पे भी परमिशन मिल चुकी है, और हम यहाँ पे जैसे कौसा में इसको लेके आगे बढ़े हैं, हम वहाँ पे भी वो ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट को लेके आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ के बच्चों को भी ये मौका फराहम होगा, और जिससे कि हम वहाँ के बच्चे ज़्यादा इसके मुस्तहिक हैं, वहाँ पे एजुकेशन की स्टैंडर्ड जो है हमारे लोगों में बहुत कम है, उसके वजह आपको पता है हमारे लोगों में गरीबी है और एजुकेशन को लेके बहुत पीछे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हर गांव-गांव में एजुकेशन की बेदारी आई है हमारी कौम में, और ये सबको इसकी अहमियत का पता चला है, तो वो भी अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, और वहाँ पर जहाँ ये बच्चे अपने अखराजात खुद उठा नहीं पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारी ट्रस्ट अलग से उनके लिए उनको स्कॉलरशिप देके ये पढ़ने का मौका फराहम कर रही है, ताकि ये कोई ये वजह ना बता सके हमारी कौम के बच्चे आगे जाके कि हम पढ़ते थे, हमको हम पढ़ना चाहते थे, हम हमारे पास पैसा ना होने की वजह से या इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी फैमिली की सही नहीं होने की वजह से हम पढ़ ना पाए, ये हम किसी को ये मौका नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए हमसे ये जो पन पड़ता है हम इसमें हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वेमेन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, बॉम्बे एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से करीब करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ऑल इंडिया में एवरी ईयर सालाना 9,000 रुपये की स्कॉलरशिप एक एक बच्चे को दी जाती है, और इस तरीके से जो गवर्नमेंट की एड और हमारी जो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है उसको लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से एजुकेशनल के कॉस्ट पे 22 करोड़ के करीब का काम हमारे से अल्लाह ले रहा है सालाना, तो ये हम जो करने जा रहे हैं ये फिगर्स हम इसलिए बता रहे हैं कि हम इसमें कोई अपनी बढ़ाई पेश करना नहीं चाहते हैं, ये इससे साबित होता है कि अगर हम इरादे करेंगे तो गवर्नमेंट और हमारे प्राइवेट जो लोग हैं जिनको अल्लाह ने जकात देने के लायक बनाया है, जो मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो मिलके इतना बड़ा अमाउंट का भी काम कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा और काम हो सकता है, तो हमको चाहिए कि हम इस इरादों में और बुलंदी करें, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह हमारे नेक इरादों में हमको कामयाब करें, मजीद नेक इरादों में इजाफा करें, और उसके लिए असबाब जगावें और इसमें आसानियाँ करें। एक बात आपने कही कि हम एक मिसाल बनना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो मराठवाड़ा और विदर्भ को जब हम देखते हैं तो वहाँ से अगर कोई लोग आप तक पहुँचते हैं आपसे कि यहाँ भी शुरू कीजिए आप, तो क्या आपका क्या प्रोग्राम रहेगा इसमें? इसमें हम डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व अभी नहीं हो पाएंगे जी, इसलिए कि हम उतना ही काम करते हैं जहाँ हम अपनी नज़र दौड़ा सकें और हम खुद उसमें जब तक एक्टिव ना हों हमारा हम वहाँ उसमें इन्वॉल्वमेंट सही ना हो सकता हो, तो हम उनको यहाँ ज़रूर गाइड भी करेंगे और जो हो सका तो हम उनको इसमें हर तरीके की मदद भी करेंगे, और वहाँ के स्कॉलर्स के अगर हमारे यहाँ ऑनलाइन पे हम फॉर्म्स स्कॉलर्स के मंगवाते हैं तो हमारे ऑनलाइन पे अगर वो फॉर्म्स फिलअप करके वहाँ के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो हम उनको ज़रूर स्कॉलरशिप देंगे, और उस तरीके से हम उनको मदद भी पहुंचा सकते हैं और उनको गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम हमारा जो भी काम है बेशक हमको हर जगह पहुंचना है, मराठवाड़ा विदर्भ जहाँ जहाँ गरीब तबका है जहाँ जहाँ एजुकेशन को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने चाहिए, लेकिन हमारी पहुँच जहाँ तक है हम उतना ही करेंगे, हम उसमें अपनी जवाबदारी लेके अगर हम फुलफिल ना कर पाए तो हम उनको गाइड करके मदद पहुंचा के
जिस तरीके से वो इसमें खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके आगे बढ़े, ये हमारी उनसे दरख्वास्त भी रहेगी और उनसे अपील भी है। तालीमी मैदान के अलावा आपने हेल्थ के लिए भी बातचीत की, कि हेल्थ में आप किस तरह का काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने मेडिकल असिस्टेंस के तौर पे वुमेन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए साल में 1.5 करोड़ रुपए का हमने 1.5 करोड़ रुपए की हेल्प सिर्फ मेडिकल लोगों को की, जो गरीब हैं जिनके कोई सर्जरीज या कोई ऐसे बीमारी जिसमें मेडिकल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या कोई हॉस्पिटल्स के बिल्स देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे हमने लोगों को करीब किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, किसी को जैसी रिक्वायरमेंट 2,00,000, 20,000, 15,000 ऐसे करते हुए 1.5 करोड़ रुपए तक की हमने हेल्प पहुंचाई है। और हम ये तो हम अल्लाह से उम्मीद करेंगे कि अल्लाह इसमें भी हमारे लिए असबाब जगावे कि हम इस तरफ भी लोगों की मदद करें और लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में अल्लाह हमसे काम ले ले।